हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिर्ची उल्लू ओरिजिनल्स का लव नेक्स्ट स्टोरी। एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है। इसका अगले एपिसोड में इसी का और तारा जी ने एक रूम में रोमांटिक मोमेंट में थे और अचानक इसी का पति आ चुका था, तो वो दोनों को देख लिया, लेकिन क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पाया। जब भी ईसा का पति ने ऑफिस चला गया था, तब ईसा और तारा जी ने हमेशा अपनी जिंदगी को उपभोग करता है। एक दिन इसी का पति ने घर पे आया और देखा कि इसी का और तारा ने फिर से बातें कर रहे, तो वो उसका जलन हुआ और वो इसी का को लेकर एक होटल में चला गया, जहाँ पे वो बहुत टाइम तक खाने के बाद डांस करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ तारा जी के ऑफिस में, यानी कि पेंशन ऑफिस में जो इंसान थे, वो यानी कि उसके बॉस ने उसको फ़ोन करके तारा जी का पति का पेंशन देने के लिए तारा जी के घर में जाने के लिए कहा, और उस आदमी ने दोपहर में ही तारा जी के घर में पहुंच चुका था। तो तारा जी ने उस आदमी को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज थे। वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके घर के अंदर घुस गया और कुछ टाइम तक तारा जी के साथ बदतमीजी करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तारा जी ने बहुत टाइम तक अपने आप को बचाता रहा और फिर ईसा को कॉल लगाया, लेकिन बात पूरा नहीं हुआ। बाद में जब उस आदमी ने तारा जी को पकड़ लिए थे, तब अचानक ईसा ने आ चुके थे और वो एक लोहे की डंडा से उस आदमी के सर पे मार दिया था। वो आदमी बिल्कुल मर चुका था और अचानक ईसा का पति ने आ चुका था और देखा कि तारा और ईसा ने एक दूसरे के साथ लिपट हुआ है। तो ये देखते हुए उसका भी दिमाग घूम गया और वो ईसा के ऊपर गुस्से होकर ईसा को मारने के लिए तैयार हो रहा था। और अचानक तारा जी ने उसी लोहे के डंडे से ईसा के पति को भी मार देता है और उन दोनों, यानी कि तारा और ईसा ने रोने लगता है और पुलिस आके उन दोनों को अरेस्ट कर लेता है। एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज है। इसका अगले सीजन रिलीज होते ही हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।